हेलो बच्चों, मैं मनीष, आप सभी का इंग्लिश का एजुकेटर। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेकेंड की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ेंगे आज हम, और चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग द रेनबो। ठीक है, द रेनबो। बच्चों, हम लोगों ने पोयम पिछली क्लास में पढ़ लिया था, लास्ट क्लास में। आज हमको उसका एक्सरसाइज सॉल्व करना है। आज देखेंगे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका आंसर क्या क्या होगा। आज हम इन्हीं चीज़ को देखेंगे। तो चलो बच्चों, आप अपना बुक ओपन कर लीजिए। आपको बच्चों इंग्लिश फर्स्ट की ये वाली बुक ओपन करनी है। ओपन करेंगे, अब पेज नंबर आएंगे आप बच्चों 6 पर। पेज नंबर 6 पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो बच्चों, ये रेनबो किस बारे में था? इंद्रधनुष हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई, कैसे कैसे क्या क्या बताया गया, एक बार फिर से रिविजन कर लेते जल्दी से। बोट्स के बारे में बताया गया कि किस पे चलती हैं, नदियों में चलती हैं। बड़े बड़े जहाज कहाँ चलते हैं? समुद्रों में चलते हैं। आपको सब पढ़ाया जा चुका है एक बार, बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, तो एक बार जाओ जल्दी से उसे देख के फिर इस वीडियो पर आओ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लाउड्स के बारे में बताया गया, क्लाउड्स कहाँ चलते हैं, कहाँ चलते हैं, स्काई में चलते हैं। और क्या कह रहा है कि जो क्लाउड्स होते हैं ये इन सब चीज़ों से अच्छे होते हैं। क्लाउड्स को अच्छा बताया गया था पहले। फिर क्या कहा था कि नदियों पर ब्रिज होते हैं। ठीक है, और जैसे आप खुश होने पे दिखते हैं ऐसे ये भी दिखते हैं। ठीक है, और एक ब्रिज के बारे में आपको बताया गया जो ज़मीन से आसमान को जोड़ती है, जो ज़मीन से अर्थ को स्काई से जोड़ती है, वो क्या होता है? रेनबो होता है। उसकी उसे सबसे अच्छा बताया गया था, आपको याद होगा। तो चलो बच्चों, आज की एक्सरसाइज करते हैं, पेज नंबर 6 पे चलते हैं। लिखा हुआ है, फर्स्ट है, ए में दिख रहा होगा आपको, ए में दिखेंगे आप। लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली। रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली। फॉलोइंग का क्या मतलब होता है पहले मुझे यह बताओ। मैंने आपको बताया है कि बच्चों, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको हर एक मीनिंग को बहुत ही ध्यान से याद करना होगा, ताकि वो आपको कभी भूले नहीं, फिर आगे लाइफ में आपके जब कभी वो आएगा तो आपको उसका मीनिंग याद होगा। तो बच्चों, आपका काम है जो जो मैं मीनिंग बोल रहा हूँ उसको लिखना। लिखा हुआ रीड, रीड का क्या मतलब होता है बच्चों? तो आप कहेंगे पढ़ना। रीड का हिंदी में मतलब होता है पढ़ना। ओके, द फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे, जो नीचे लिखे हुए हैं, बात समझ आई। लाइन्स केयरफुली, नीचे लिखे हुए लाइन्स को केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, पूरा मन लगा के, बात समझ आई। तो बच्चों, लिखा हुआ बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, इसका मतलब क्या हुआ? बोट्स सेल ऑन द रिवर्स का मतलब होता है कि जो नाव होते हैं वो नदियों पर चलते हैं। ठीक है, नाव कहाँ चलते हैं? नदियों पर चलते हैं। तो बच्चों, ये बताओ कि हम जैसे वॉक करते हैं तो नदियों को वॉक क्यों नहीं कह दिया गया? नदियाँ वॉक क्यों नहीं करती हैं? उनको भी तो वॉक कह सकते हैं, जैसे हम चलते हैं तो वैसे बोट्स भी चलती होंगी, तो कह देंगे बोट्स आर वॉकिंग, क्यों नहीं कह दिया उसको? बच्चों, जैसे देखो हर चीज़ का तरीका अलग अलग होता है। हम जैसे जो पुरुष होते हैं वो पैंट शर्ट पहनते हैं, औरतें जो होते हैं वो साड़ी पहनती हैं। ठीक है, तो और जो ऐसे ही जो वकील होते हैं वो ब्लैक कोट पहनते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स वाइट कोट पहनते हैं। ठीक है, तो हर आदमी का, हर पेशेवर आदमी का अलग अलग ड्रेस कोड होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हर चीज़ के लिए चलने के तरीके को अलग अलग वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे इसीलिए बोट को सेल करने के लिए कहा जा रहा, मतलब कि बोट चलती है, कहाँ पर चलती है? नाव में चलती है। तो ध्यान रखेंगे, बोट वॉक नहीं करेगी, बोट क्या करेगी? सेल करेगी, बात समझ आ गई। एंड शिप्स सेल्स ऑन द सी। शिप्स मतलब क्या होते हैं बच्चों? जहाज। जहाज कहाँ चलते हैं? जहाज बड़ा होता है नाव से, जहाज बहुत बड़ा होता है, वो कहाँ चलेगा बच्चों? तो वो समुद्रों में चलता है, बात समझे, सागरों में चलता है। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई। बट का मतलब क्या होता है बच्चों? बट का मीनिंग होता है लेकिन। क्लाउड्स दैट सेल, जो बादल होते हैं वो कहाँ चलते हैं? अक्रॉस द स्काई। कहाँ चलते हैं? अक्रॉस द स्काई। बादल कहाँ चलते हैं? आसमान में चलते हैं या धरती पे चलते हैं? कहाँ चलते हैं?
आसमान में चलते हैं, स्काई में चलते हैं, ठीक है। आपने ऊपर देखा होगा बादल कभी कभी बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, कभी धीरे धीरे मूव करते हैं, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बादल रुके हुए हैं लेकिन वो धीरे धीरे मूव कर होते हैं, उनकी स्पीड बहुत कम लगती है लेकिन आसमान में उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। लेकिन हमें ऐसा फील होता है, ऐसा सीम होता है कि उनकी स्पीड क्या है, बहुत स्लो है या फिर वो स्टॉप्ड हैं, रुके हुए हैं। बात समझ में आ गई, लेट्स गो अहेड। आर प्रिटियर फॉर देन दीज, क्या लिखा हुआ है इसका मतलब, प्रिटियर का क्या मतलब मैंने बताया था, सुंदर होता है, अच्छा होता है। फॉर का मतलब क्या मतलब होता है, और अच्छा। देन दीज, इन सभी चीज़ों से, कह रहा है कि जो क्लाउड होता है वो बोट से और सिप्स से अच्छा होता है, कैसा होता है, अच्छा दिखता है। बात समझ में आ गई, इसका मतलब यही था। बुक में केयरफुली रीड करने के लिए बोला था बच्चों, हम लोगों ने इसे रीड कर लिया, ठीक है। अब कह रहा है नाउ राइट द सिंगुलर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कुछ प्लूरल फॉर्म में लिखे होते हैं। प्लूरल और सिंगुलर क्या होता है बच्चों, पहले ये जान लो। प्लूरल का मतलब होता है कोई एक चीज़, कोई एक चीज़ उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। और जब कोई चीज़ एक से अधिक हो जाती है तो उसे हम प्लूरल बोलते हैं। जैसे बताओ ये कितनी फिंगर्स है, कितनी फिंगर है, तो कहेंगे वन फिंगर। क्या कहेंगे, वन फिंगर। मैं लिख रहा हूँ अभी समझ में आएगा, कहेंगे वन फिंगर, ओ एन ई फिंगर, वन फिंगर, ओके। और मैं अगर वन फिंगर्स को टू फिंगर्स कर दूँ, ये क्या हो गया, टू फिंगर्स हो गए, वन टू, तो आप लिखेंगे टू फिंगर्स, टू फिंगर्स, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा वन फिंगर, एफ आई एन जी ई आर, इसमें एस नहीं है, लेकिन जब टू हो गया तो लिखा एफ आई एन जी ई आर एस, क्या हो गया, ये फिंगर्स हो गए, मतलब कि इसमें एस बढ़ गया। अच्छा अगर मान लो मैं थ्री कर दूँ तो आप लिखेंगे टी एच आर ई ई थ्री, इसमें फिंगर होगा या फिंगर्स, इसमें बच्चों का फिंगर्स, ठीक है। जब केवल एक रहेगा कोई थिंग तो हम उसे लिखेंगे कि इसमें बिना एस के, बिना एस के, तब उसमें एस नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जब टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, हंड्रेड हो, कुछ भी हो, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, एस को बढ़ा देंगे, एस को बढ़ा के लिखेंगे। तो बच्चों ये जो हमारा है ये क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर का सिंगल मतलब क्या होता है, वन, तो ये है सिंगुलर नंबर। क्या है ये, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, बात समझ आ गई। और ये सब क्या है बच्चों, ये इसमें एस बढ़ा हुआ है, यानी कि ये दोनों वन से ज़्यादा हैं, क्या है, वन से ज़्यादा है, तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों हम, प्लूरल नंबर। ये क्या है, प्लूरल नंबर, बात समझ आ गई। तो बच्चों अगर कोई चीज़ एक होगी तो हम उसको एस बढ़ाएंगे नहीं, उन्हें हम बिना एस के लिखेंगे। अगर कोई चीज़ टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, तो उसमें हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, उसके नाम में हमें एस बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, तो बच्चों आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बुक के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे समझाऊंगा। चलो बच्चों देखते हैं, बुक में लिखा हुआ नाउ राइट द सिंगुलर्स ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। जैसा लिखा हुआ है नाउ राइट, ये वाली लाइन जो है अपनी कॉपी पे आप लिखेंगे, ओके। लापरवाही नहीं करेंगे कि इसे छोड़ दिया आपने, आपको इसे कॉपी पे लिखना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ बोट्स, बी बी ओ ए टी एस, क्या लिखा हुआ है, बोट्स। तो बच्चों इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, आप लिख लेंगे बोट, बी ओ ए टी, क्या हो जाएगा, बोट, ठीक है। अच्छा एक काम करिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको पता चले कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल। तो आप लिखेंगे प्लूरल, यहाँ पर लिखेंगे प्लूरल, यहाँ पर लिखेंगे सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर। देखो बच्चों ये है प्लूरल और ये क्या है, सिंगुलर।
तो बच्चों पहला है बोट, बी ओ ए टी, बी ओ ए टी। तो इसके सामने ये लिखा हुआ जो बोट्स, ये बोट्स होगा ना, तो ये प्लूरल फॉर्म है इसका। बोट्स का मतलब ये हो गया कि बोट्स एक से ज़्यादा हैं, बस ये दो होंगी, तीन होंगे, पाँच होंगे, दस होंगे, लेकिन वो दो से ज़्यादा है, या दो या दो से ज़्यादा हैं। तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा बच्चों? तो आप कहेंगे सर बोट, बी ओ ए टी, क्या हो जाएगा ये बोट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सीज, एस ई ए एस, एस ई ए एस। ये सीज का क्या मतलब होता है बच्चों? सागर होता है, लेकिन यहाँ पे सागर एक से ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, तो इनका आप सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे एस ई ए। केवल आपको लास्ट से एस को रिमूव कर देना है, एस को हटा देना है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बच्चों रिवर्स, आर आई वी ई आर एस, आर आई वी ई आर एस, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स मतलब बच्चों कई सारी नदियाँ, मतलब कि दो या दो से अधिक नदियाँ, तो इसका सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे रिवर, आर आई वी ई आर। ओके, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है बच्चों क्लाउड्स, क्लाउड्स का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा बच्चों? सी एल ओ यू डी एस, ये लिखा हुआ है, इसका सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे बच्चों क्लाउड, सी एल ओ यू डी। एस को एस में मैंने सब में से हटा दिया। नेक्स्ट है बच्चों सिप्स, एस एच आई पी एस। ठीक है, मुझे क्या करना है, एस को रिमूव करना है सिंगुलर बनाने के लिए, तो मैंने कहा एस एच आई पी, क्या हो गया ये सिप हो गया। ये हो गया बच्चों आपका पहला काम। ठीक है, तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, केवल आपको बच्चों इसमें से एस को रिमूव करना है, बाकी आपका पूरा काम हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पोयम, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पोयम। लिखा हुआ है कि ये जो वर्ड्स आपके लिखे हुए हैं, ये पोयम में यूज किए गए हैं, तो आपको इनको अकॉर्डिंग टू पोयम अरेंज करना है, यानी कि जो पहले आया हो, जो फर्स्ट आया हो उन्हें फर्स्ट नंबर पे, जो सेकेंड आया हो उन्हें सेकेंड नंबर पे, जो थर्ड आया हो उन्हें थर्ड नंबर पे मेरा इनको लिखना है। तो बच्चों चलो इसके लिए हमें अपने पोयम पे चलना होगा, तो चलो लेट्स सी पोयम में क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों लिखा है पहले बोट्स, बोट्स यहाँ पर है कि नहीं है, है, तो बच्चों सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या आएगा, बोट आएगा, मतलब कि नंबर वन पर क्या रहेगा, बोट रहेगा। रिवर्स आया बच्चों, बोट सेल ऑन द रिवर्स, रिवर्स कहाँ है बच्चों देखेंगे, रिवर्स यहाँ पर है, यानी कि ये नंबर टू पर आएगा। ओके, सिप्स आया क्या बच्चों, सिप्स इसमें नहीं है। सीज आया बच्चों, एस ई ए एस, नहीं है, सीज भी नहीं है इसमें। क्लाउड्स आया वो बच्चों, क्लाउड्स, क्लाउड्स आपको दिख रहा है कहीं पर, हाँ ये देखो यहाँ पर क्लाउड्स है, ये नंबर थ्री पर आएगा, यहाँ पर नंबर थ्री पर। क्लाउड्स के बाद आपको बच्चों स्काई दिख रहा होगा, स्काई, स्काई नंबर फोर पर आएगा। ओके, स्काई के बाद क्या दिख रहा है, प्रिटियर फॉर देन, इसमें से कोई भी वर्ड नहीं है। ब्रिजेस दिख रहा है बच्चों, हाँ आप कहेंगे सर ब्रिजेस नंबर फाइव पे आएगा, नंबर फाइव पे क्या आएगा, ब्रिजेज। फिर उसके बाद रिवर्स बच्चों पहले हो चुका है, उसके बाद बच्चों बो, बो मतलब क्या होता है, बो मतलब वैसे होता है धनुष, लेकिन यहाँ पे इंद्रधनुष से मतलब था उसका, नंबर सिक्स पे आएगा। यहाँ पर हिवन दिख रहा है बच्चों, आप कहेंगे यस सर हिवन नंबर सेवन पे आएगा, सिक्स के बाद सेवन पे आएगा। उसके बाद दिख रहा है बच्चों ओवर टॉप्स, ओवर टॉप्स किस नंबर पे आएगा बच्चों, एयर्थ नंबर पर आएगा, एयर्थ नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद ट्रीज आएगा बच्चों नंबर नाइन पर, किस नंबर पर आएगा, नंबर नाइन पर। ओके, तो ये बच्चों आपका काम हो गया। तो आप क्या करेंगे अब इनका, इनको अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, ऐसे अरेंज करिए, ये हो गया नंबर वन, ये हो गया नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर फोर, ये नंबर फाइव। ओके, ऐसे लिख लेते हैं, नंबर सिक्स, नंबर सेवन,
नंबर 8, नंबर 9, ओके। आ जाओ बच्चों, देखते हैं नंबर फर्स्ट पे कौन सा आया। नंबर फर्स्ट पे बोट्स आया है, तो नंबर फर्स्ट पे आप लिख लीजिए बोट्स, BOATS, बोट्स हो गया। नंबर सेकंड पे कौन सा बच्चों, रिवर्स, तो आप यहाँ पे लिखिए नंबर सेकंड पर रिवर्स, RIVERS, ये हो गया रिवर्स, ठीक है बच्चों। इसको स्मॉल कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसमें स्मॉल लिखो क्योंकि स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल ही कर लो इसको। नंबर थर्ड पे कौन सा आएगा बच्चों, क्लाउड्स, लिखेंगे नंबर थर्ड पे क्लाउड्स, CLOUDS, क्या हो गया ये, क्लाउड्स हो गया। नंबर फोर पे कौन आएगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर स्काई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्काई, SKY, स्काई, ओके बच्चों। नंबर फाइव पे कौन सा बच्चों, लिखेंगे ब्रिजेज, क्या है ये, ब्रिजेज। नंबर फाइव पे कौन आएगा, ब्रिजेज, BRIDGES, हो गया ब्रिजेज। नंबर सेवन पे कौन आ रहा है बच्चों, देखोगे नंबर सेवन पे हेवन, लिख लेंगे नंबर, नंबर सिक्स बच्चों सॉरी, नंबर सिक्स पे कौन आएगा, बो, नंबर सिक्स पर बो, BOW, नंबर सेवन पे कौन आ रहा है बच्चों, आप कहेंगे सर हेवन, तो हेवन लिख लो नंबर सेवन पे, हेवन भी बोलते बच्चों, या हेवन बोल लो, कुछ भी बोल लो, हेवन, ओके बच्चों। नंबर एट पे कौन आ रहा है, नंबर एट पे आ रहा है बच्चों ओवर टॉप्स, ओवर टॉप्स लिख लेंगे, ओवर टॉप्स, OVER TOPS, ठीक है। नंबर नाइन पे कौन आ रहा है बच्चों, नंबर नाइन पे आ रहा है ट्रीज, तो इस पर लिखेंगे नंबर नाइन पर ट्रीज, TREES, ये हो गया ट्रीज। तो बच्चों आप इसे नोट करेंगे, ये भी आपका पूरा हो चुका है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सी, लिखा हुआ है राइट ट्रू और फॉल्स, सी क्वेश्चन नंबर है बच्चों, राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रू का मतलब होता है सही, और फॉल्स का मतलब होता है रॉन्ग, गलत। बात समझ आ गई, मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रू का मतलब होता है ट्रू मतलब सही, फॉल्स का मतलब होता है रॉन्ग मतलब गलत। जो चीज़ आपके पोयम के हिसाब से सही होगा उसे ट्रू लिखेंगे, और जो चीज़ आपके पोयम के हिसाब से गलत होगा उसे क्या लिखेंगे, फॉल्स लिख रहे होंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला है, तो बच्चों देखो ये चीज़ मैं कॉपी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप इसे अपने कॉपी पर नोट करेंगे और यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स लिखेंगे, और अपनी कॉपी पर भी इसे नोट करेंगे और वहाँ पर भी ट्रू फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं इसे नहीं लिखूँगा, केवल मैं ट्रू फॉल्स आपको लिख कर यहाँ पर दिखाऊँगा, और आप अपने घर पर भी उसे लिख रहे होंगे। कहाँ लिखना है आपको, आपको यहाँ भी लिखना है और आपको अपनी कॉपी पर भी लिखना है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सी है, और उसका पहला क्वेश्चन मैं रीड करने जा रहा हूँ, देखो, ships sail on the river, बताओ बच्चों ट्रू या फॉल्स, बताओ ships sail on the river, ships कहाँ सेल करती हैं, कहाँ सेल करती हैं, रिवर्स में सेल करती हैं, नहीं, रिवर में बोट सेल करते हैं, आपको मैंने बताया था बोट्स छोटी होती हैं, और नदी भी क्या होती है, छोटी होती है, रिवर क्या होती है, छोटी होती है, तो बोट्स जो हैं वो रिवर्स में सेल करते हैं, और जो हमारे सिप्स हैं वो कहाँ सेल करते हैं, समुद्रों में यानी सीज में सेल करते हैं। तो ये बच्चों हमारा क्या होगा, पहला पहला हमारा होगा फॉल्स, FALSE, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। आ जाओ बच्चों नंबर सेकंड पे, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई, क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल, बादल कहाँ उड़ते हैं बच्चों, बादल कहाँ सेल करते हैं, कहाँ चलते हैं,
तो आप कहेंगे सर स्काई में, स्काई में चलते हैं कि रिवर में चलते हैं, कहाँ चलते हैं? तो आप कहेंगे सर स्काई में चलते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमारा है वो क्या होगा? ट्रू होगा, टी आर यू ई। इसके सामने आप लिखेंगे, इसके सामने फॉल्स, इसके सामने ट्रू। ओके, आ जाओ बच्चों थर्ड नंबर पे आ जाओ, देखते हैं। लिखा हुआ ए रोड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू स्काई। तो बताओ बच्चों, आपको याद है मैंने आपको बताया था जो रेनबो होता है वो क्या करता है? रेनबो जो होता है वो अर्थ टू स्काई एक रोड बिल्ट करता है, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? तो उसी को पूछ रहा है ये, क्या ये सही है रोड बनाना? तो क्या कहेंगे, हाँ ये हमने पोयम के हिसाब से पढ़ा तो ये ट्रू होगा। क्या होगा? टी आर यू ई लिखेंगे, ट्रू। बात समझ में आ गई? ट्रू, ट्रू मतलब क्या होता है? सही है। रोड जो होता है वो कौन बना रहा है यहाँ पर? यहाँ पर रोड रेनबो बना रहा है अर्थ टू स्काई के लिए। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट पे चलते, फोर्थ पर। फोर्थ देखो लिखा हुआ है देयर आर ब्रिजेज ऑन द ट्रीज। तो क्या बच्चों ऐसा है पेड़ों पर ब्रिज होते हैं? नहीं, पेड़ों पर ब्रिज नहीं होते हैं। ये जो रेनबो होता है वो उसको ऊपर से जाता है, लेकिन उसके ऊपर ब्रिज थोड़ी ना है, ठीक है? तो इसे लिख लेंगे बच्चों फॉल्स। क्या लिखेंगे? एफ ए एल एस ई, एफ ए एल एस ई। क्या होगा ये? फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट रीड करते बच्चों। लिखा हुआ है फिफ्थ में, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर देखेंगे। लिखा हुआ है ऑल द इमेजिनेशंस, ऑल द इमेजिनेशन के पहले स्पेलिंग लिखो तुरंत, आई एम ए जी आई एन ए टी आई ओ एन। इमेजिनेशन का मतलब होता है बच्चों कल्पना, हिंदी लिख लो कभी काम आएगा। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, जैसे कोई चीज़ आप मन में सोचते हो ना तो वह आप इमेजिनेशन करते हो। बात समझा कि वो इमेज है, वो ये क्या है? एक इमेज है, वो रियल नहीं है, इमेजिनेशन है। बात समझा रही? उसी को बोलते हैं कल्पना हिंदी में। ओके, ऑल द इमेजिनेशंस ऑफ द पोएट सीम प्रेटियर। क्या कह रहा है? सीम मतलब प्रतीत होना, प्रेटियर मतलब सुंदर। कह रहा है कि मतलब कि जो पोएट है उन्होंने जो जो चीज़ें इमेजिन की हैं वो कैसी हैं? सुंदर हैं। आप बताओ सभी सुंदर हैं कि नहीं है? तो आप कहेंगे यस सर, सभी क्या हैं अपने आप में? सुंदर होती हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को करेंगे बच्चों ट्रू। क्या करेंगे? ट्रू यहाँ पर आप लिख लेंगे। बात समझ में आ गई? आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बच्चों क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है, आप इसे जल्दी से नोट कर लो ताकि हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी पर आ जाएं। नोट करो, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे आप। आप क्वेश्चन नंबर डी को ऐसे कॉपी पर नोट करेंगे। ओके, लिखा हुआ है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो विच मीन। देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस बॉक्स में आपको कुछ नंबर, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। देखो हीवन लिखा हुआ, ओवर टॉप लिखा हुआ, क्लाउड लिखा हुआ, सेल लिखा हुआ, प्रेटियर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, फिर से देख लो यहाँ पर। तो कह रहा है कि इनमें से इनको पढ़िए, इनको क्या करना है? रीड करना है और समझना है कि इनमें से कौन सा वर्ड वो होगा। बस समझा गई? मैं फिर से बता रहा हूँ, इनमें से कौन सा वर्ड इनको पढ़ने पर आपके दिमाग में आएगा वही यहाँ पर फिल करना है। ओके, तो चलो बच्चों आप ये चीज़ अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे और बुक में भी भर रहे होंगे। बुक में तो आपके लिखा हुआ है ये, और केवल यहाँ पे फिल करना है, लेकिन अपनी कॉपी पर भी आप इसे क्या करेंगे? लिखेंगे, ठीक है? ये चीज़ मैं कॉपी यहाँ पर बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँगा। ओके, आ जाओ बच्चों पहला रीड करो, फर्स्ट रीड करो, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में? क्या लिखा हुआ है रीड करो। टू ट्रेवल ऑन वाटर इन ए बोट और ए सिप। टू ट्रेवल का क्या मतलब होता है? चलना। इन वाटर पानी में चलना, किस में चलना? बोट या सिप में चलना, नाव या जहाज में चलना। बताओ जब पानी पे चलने को हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। मैंने अभी आपको बताया था ना, तो इसमें से सेल है? आपने कहा हाँ सर सेल है। तो फर्स्ट में आप नोट करेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है इसमें लिखेंगे सेल, एस ए आई एल, एस ए आई एल। सेल का क्या मतलब होता है? टू ट्रेवल ऑन वाटर इन ए बोट और ए सिप।
बात समझ में आ गई। चलो बच्चों दूसरा नोट करो, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर रीड करो। ए ग्रे मास इन द स्काई मेड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स और वाटर। ग्रे मतलब क्या होता है? ग्रे कलर होता है बच्चों, ग्रे कलर का आसमान में क्या होता है जिसमें पानी भरा होता है, आप बताओ। आप सबको पता है क्लाउड होता है, वो क्या होता है? क्लाउड होते हैं। क्या होंगे? क्लाउड। तो बच्चों लिख लेंगे, दूसरे का ऑप्शन होगा क्लाउड, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ बच्चों, थर्ड को रीड करो। लिखा हुआ है वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने आपको प्रेटियर का मतलब पढ़ाया था, जब पोएम पढ़ा था, प्रेटियर का क्या मतलब होता है, प्रेटी का क्या मतलब, सुंदर। उसमें ई आर बढ़ा के उसमें सुंदरता को और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये क्या होगा? प्रेटियर। तो थर्ड में लिखेंगे बच्चों वेरी ब्यूटीफुल का मतलब होगा, इसका मीनिंग होगा प्रेटियर, पी आर ई डबल टी आई ई आर, क्या हो जाएगा ये? प्रेटियर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है ए प्लेस वेयर गॉड इज बिलीव्ड टू लिव, ए प्लेस वेयर गॉड इज बिलीव्ड टू लिव। ऐसा स्थान जहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान रहते हैं। तो बच्चों वो स्थान क्या होता है? स्वर्ग हिंदी में बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं उसको? हेवन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? हेवन। तो लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, दिखा हुआ बच्चों हेवन, एच ई ए वी ई एन, हेवन, ठीक है। हेवन का मतलब क्या होता है बच्चों? स्वर्ग। फिफ्थ पे आ जाओ बच्चों, मीनिंग मैं आपको सब पहले ही लिखा चुका हूँ, तो आपको बार बार मैं मीनिंग तो नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि पहले आप लिख चुके हैं, केवल आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। हायर देन समथिंग, किसी चीज़ से ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर टॉप। क्या बोलेंगे? ओवर टॉप, ओ वी ई आर टी ओ पी, क्या बोलेंगे आप उसे? ओवर टॉप। तो बच्चों मैं इसे एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ। सेल किसे कहते हैं? पानी में चलने को, पानी में चलने को, ट्रेवल इन वाटर, क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा, ओके। सेकेंड है क्लाउड, आसमान में जो चीज़ आपको रुई की तरह दिखता है, जिसमें क्या दिखा, पानी भरा होता है, जिससे बारिश होती है, वो कौन होते हैं? क्लाउड्स होते हैं। प्रेटियर का क्या मतलब होता है बच्चों? वेरी ब्यूटीफुल को हम प्रेटियर कहते हैं। हीवन क्या होता है बच्चों? जहाँ पे हम मानते हैं ऐसा कि भगवान वहाँ पर रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे? हेवन बोलेंगे। किसी चीज़ से ऊपर, जैसे मान लो मैं ये मार्कर है, इसके ऊपर अपना हाथ रख दूँ, तो ये जो मेरा हाथ है इस मार्कर के ओवर टॉप है, इसके ऊपर है, तो क्या बोलेंगे उसे? ओवर टॉप। बात समझ आ गई? तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलो बच्चों आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आपको पोयम फिर से पढ़ना है, आपका ये होमवर्क है, आपको इसका पोयम पढ़ना है, और आपको ये जो बुक में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है वो सब क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिख कर उनका फ़ोटो खींच कर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना भी है, ठीक है। अगर आप नहीं भेजेंगे तो हमें लगेगा आपने काम पूरा नहीं किया है, आपको होमवर्क पूरा करना ही करना है। तो बच्चों चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करिए।